press the bell icon on the YouTube app and never... सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है भारत इज इंडिया पर। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट, एक इंटरेस्टिंग और एक बहुत ही दमदार वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान के मशहूर पत्रकार सोहेब चौधरी को, उनकी स्पेशल गेस्ट होंगी भारत की बेटी और सुप्रीम कोर्ट की सीनियर वकील दबंग नाजिया खान जी। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और बहुत मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए ऐसी लेटेस्ट, इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहे। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद जय भारत। 2014 की रिपोर्ट है आपके पाकिस्तान की कि 1000 क्रिश्चियन और हिंदू औरत को पाकिस्तान में फोर्सिबली कन्वर्ट करवाया गया था। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये ह्यूमन राइट ग्रुप कह रहा है आपके पाकिस्तान का, ये आपके पाकिस्तान का ह्यूमन राइट ग्रुप कह रहा है। 2003 में एक 6 साल की बच्ची को किडनैप किया गया है, आफरीदी ट्राइब ने किडनैप किया था नॉर्थ वेस्ट की तरह प्रोवांस की के वहां से, और पहले रेप किया उसका, पहले उसका रेप किया है 6 साल की बच्ची का, 2003 का की मैं बात बता रही हूँ, आफरीदी ट्राइब ने किया, और उसके बाद रेप करने के बाद वो जिंदा नहीं बची, उसके पूरे परिवार को कन्वर्ट कराया इस्लाम में। उसके बाद फिर आप देखो तो अक्टूबर 12 अक्टूबर 2012 रायन संतोन और क्रिश्चियन बॉय 16 साल का है, जो अपने आप को झाड़ियों में, उसके बाद फिर केला गाछ का कोई आप लोगों का जगह है वहां पर अपने आप को छुपाया है, उसके पूरे परिवार को मार डाला और उसको खड़ा कर करके क्रिश्चियन से मुसलमान बनाया गया। फरवरी 2012 रिंकल लता और आशा कुमारी, इनके इनके पूरे परिवार को गोलियों से भून दिया गया ताकि ये अपना पजामा खोल दें और ये अपने आप को इस्लाम में कन्वर्ट कर दें। ये मैं नहीं बोल रही, ये आपका ह्यूमन राइट्स का डेटा बोल रहा है। नाजिया जी, इधर एक चीज ये भी है, मतलब ठीक है ये चीजें जो आपने बताई पाकिस्तान में माइनॉरिटीज को लेके, हिंदू कम्युनिटी क्रिश्चियन कम्युनिटी को लेकर, लेकिन एक सवाल ये उठता है, या मतलब देखें दोनों साइड का हमें थोड़ा देखना चाहिए, थोड़ा सा जो भी चीजें हैं उन्हें ऑब्जर्व करना चाहिए, कि इंडिया में जो प्रोटेस्ट होते नजर आ रहे हैं CAA के हवाले से, CAA के अगेंस्ट, उसकी क्या रीजन है? पाकिस्तान में ये इश्यूज हैं, बांग्लादेश में ये इश्यूज हैं, अफगानिस्तान में लेट्स सपोज ये इश्यूज हैं, लेकिन इंडिया में क्या वजह है कि जो लोग प्रोटेस्ट करते नजर आ रहे हैं? मुझे उस चीज की समझ नहीं आई। देखिए अवेसी इसलिए चिल्ला रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं उसको ऐसा लग रहा है कि भारत में पहले ही 82.7% सनातनियों की मेजोरिटी है, अब ये बांग्लादेश अफगानिस्तान और पाकिस्तान से सारे हिंदू आकर के यहाँ पर सिटीजनशिप उनको मिल जाता है सरकार की तरफ से, तो 90% पॉपुलेशन हिंदुओं का हो जाएगा। हालांकि अवेसी, मदनी और बुखारी ये सारे लोगों का हमेशा से ये स्ट्रैटेजी रहा है कि वो अपने मुस्लिम मुस्लिम पॉपुलेशन को बढ़ाएं। आपने हालिया में सुना होगा कि दारुल उलूम ने एक फतवा जारी किया था मेरे ख्याल से 18 या 17 दिन पहले, गजवाए हिंद का अपने वेबसाइट पर जारी किया था, भारत बोला था कि ऐसा, नहीं, भारत में होते हुए वो गजवाए हिंद करेंगे। तकरीबन 8 राज्यों में दारुल उलूम ने गजवाए हिंद की स्ट्रैटेजी बिछाई थी और गजवाए हिंद के नाम पर एक व्हाट्सएप ग्रुप चल रहा था, और ना जाने पिछले 3 साल में ना जाने गजवाए हिंद पर काम करने वाले मुसलमान लफंदरों को अरेस्ट भी किया गया है, जो आंकड़े आपको गूगल पे मिल जाएंगे। बजाफते 8 राज्यों में एक एक ग्रुप मिलकर के काम कर रहा था जो भारत के अंदर गजवाए हिंद करेगा जी, एक साइड पे। दूसरी बात, लेट मी फिनिश, अब दूसरी बात आ रही है कि अवेसी को तो मैं भारत का नागरिक मानती ही नहीं हूँ, क्योंकि उसका इतिहास है कि असदुद्दीन अवेसी राजोकार की फौज का आखिरी सिपा सालार है, और उसके बाप दादा ने पाकिस्तान के पक्ष में, पाकिस्तान के समर्थन में, पाकिस्तान के फायदे के लिए राजोकार की फौज बनाई थी, जिसने भारत के विरोध में काम किया था, और वो उसी का आखिरी चश्म चिराग है राजोकार की फौज का। तो वो तो चाहेगा ही कि भारत का बुरा हो, वो कभी नहीं चाहेगा। देखो शोएब, आज भारत अपने गोल्डन पीरियड में चल रहा है, आज भारत तरक्की कर रहा है, उन्नति कर रहा है। अच्छा मैं दो चीजें और तुमको बताना चाहती हूँ कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट कोई नया नहीं हो रहा है। देखो इंदिरा गांधी जी ने उदांगा से हिंदुओं को बुला करके सिटीजनशिप दिया था जब इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी। फिर राजीव गांधी जी ने श्रीलंका से बुला करके टमेलियंस को दिया था सिटीजनशिप भारत का, हिंदू टमेलियंस को। तो ये कुछ नया तो नहीं है, ये तो बहुत पुराना है।
नादिया जी, अभी आपने ही बोला कि भाई इंडिया डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है, नो डाउट पूरी दुनिया को पता है कि बहुत तेजी से वहां पे डेवलपमेंट हो रही है। एक साइड पे हम ये सुनते हैं कि एजुकेशन बहुत ज्यादा बढ़ती नजर आ रही है इंडिया में, बहुत ज्यादा एजुकेशन के ऊपर वर्क हो रहा है, और फिर बहुत से लोगों से पाकिस्तान के बाहर, मतलब यूएई का जब थोड़ा विजिट रहा, वहां पे इंडियन मुस्लिम से भी मिला, इंडियन हिंदू भाइयों से भी मिला, क्रिश्चियन से भी मिला, या ऑनलाइन भी सेशन रहता है, या व्हाट्सएप पे अगर किसी से बात होती है, वो तो लोग ये कहते हैं कि भाई अब ये हिंदू मुस्लिम वाला कंसेप्ट खत्म होता नजर आ रहा है, खत्म हो चुका है या खत्म होता नजर आ रहा है। मैंने अगर 100 लोगों से बात की, 90% लोगों ने बीच में से यही बोला है। तो फिर दूसरी साइड पे अगर ये सब चीजें सीएए के अगेंस्ट हो रही है, तो इसका मतलब है अभी भी वहां पे, मतलब एक सवाल है कि इसका मतलब है अभी भी वहां पे ये हिंदू मुस्लिम कंसेप्ट चल रहा है कि हमारी आबादी ज्यादा हो जाए, आपकी आबादी कम हो जाए, या आपकी आबादी कम ज्यादा हो जाए, हमारी कम हो जाए, मतलब ये यहाँ पे थोड़ा सा मुझे डाउट आया। मैं इसको क्लियर कर देती हूँ श्रेय, क्योंकि आपका सवाल बहुत ही अच्छा है। देखिए, भारत के प्रधानमंत्री ने जितनी भी योजनाएं लाई हैं उसमें किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया, बल्कि पसमांदा मुसलमानों के लिए उन्होंने ऐसी ऐसी योजनाएं मेरे ख्याल से 30 या 31 से ऊपर लाया है, जिससे लाभ जो है, प्रॉफिट जो है, वो सिर्फ मुसलमानों का हो रहा है, लेकिन हिंदुओं ने एक बार भी आवाज नहीं उठाई। अगर अवेसी भड़काऊ भाषण बंद कर दे, अगर अगर दारुल उलूम मदनी गजवाए हिंद का नारा बंद कर दे, अगर बुखारी लव जिहाद का प्रमोशन बंद कर दे, तो मैं आपको प्रॉमिस कर रही हूँ और दावा दे रही हूँ और बड़ी जिम्मेदारी से कह रही हूँ कि मेरे भारत में हिंदू मुसलमान कभी होगा ही नहीं, कभी नहीं होगा। अब आती है शिक्षा की बात, क्योंकि आपने बहुत खूबसूरत बात बोली है। डेफिनेटली मेरा भारत 79.8% पॉपुलेशन पढ़ा लिखा शिक्षित है, बट ये जानना बहुत जरूरी है कि सच्चर कमीशन की रिपोर्ट के हिसाब से इसी भारत के मुसलमान शिक्षा में दलित से भी नीचे हैं। अब आप समझें कि मुसलमान में जो समाज के ठेकेदार बने हुए हैं, वो हमारे मुसलमान युवाओं को आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, वो हमारे मुसलमान युवाओं को तरक्की नहीं करने दे रहे हैं, वो तरक्की के विजन और फोकस में उनको उनको अपने खुद को समर्पित नहीं करने दे रहे हैं उनको, क्योंकि देखो अवेसी है, मदनी है, बुखारी है, तौकीर रजा है, इनकी दुकान कैसे चलती है? इनकी दुकान चलती है कि इनके पीछे पीछे 10 जाहिले आजम और 10 छड़के आजम घूमता है, अवेसी जी जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, मुगले आजम जिंदाबाद, ये करता है। और ऐसे लफंदर अवेसी को चाहिए, हर हाल में चाहिए, इसीलिए वो चाहता है कि मुसलमान तबका युवा जाहिल रहे ताकि उसकी दुकान चलती रहे। लेकिन उनकी ही स्टेटमेंट मैंने 2-3 दिन पहले सुनी थी, एक मतलब शॉर्ट्स देख रहा था, वहां पे उनसे सवाल पूछा गया कि जो यूएई में मंदिर बना है, उस हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप, खुश हुए हैं या ना खुश हुए हैं? तो उन्होंने बोला कि भाई दो कंट्रीज के दरमियान अगर रिलेशन बेहतर हो रहा है मंदिर बनने से, और अगर इंडिया ने परमिशन ली वहां से, मतलब जगह मिली और फिर मंदिर बना, तो अच्छी बात है, मतलब रिलेशन बेहतर हो रहा है, वहां पे हमारे हिंदू भाई रहते हैं, इंडियन रहते हैं, तो वो जाएंगे अपनी पूजा कर पाएंगे। तो मेरे ख्याल से ये इतनी ही सोच अगर हमारे पाकिस्तान के जो मौलाना हजरात हैं ये रखें कि हाँ भाई अगर कहीं पे बन रहा है तो ठीक है, तो मेरे ख्याल से फिर भी बहुत फर्क नजर आता है सोच का। नाजिया जी, अगर बात करें रमजान की, रमजान स्टार्ट हो चुका है, आपके वहां पे मार्केट का विजिट आपका रहता होगा, या एज ए सोशल एक्टिविस्ट आपको चीजों का आइडिया होगा कि भाई महंगाई बढ़ी है कम हुई है, जरूर शेयर करिएगा। हमारे यहाँ पे तो मैं ये क्लियरली कहता हूँ, चाहे लाहौर हो, मतलब बड़ा कोई शहर हो, या फिर कश्मीर का कोई एरिया हो, या बलूचिस्तान का एरिया हो, रमजान आते ही चीजों की कीमतों में डबल से भी ज्यादा इजाफा हुआ है। हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है श्वेब, कि हम कल मैंने 1680 रुपए में पूरा एक कार्टन फल मंगवाया है, पूरा एक कार्टन, और ऑलमोस्ट इतना बड़ा कार्टन था, और उसमें मैंने पूरा फ्रूट्स मंगवाया है, और आई थिंक 3200 का मैंने, मेरे जहां पर मैं बैठी हुई हूँ उसके ठीक फर्स्ट फ्लोर के नीचे ही एक ग्रॉसरी शॉप है, शाह दुकान नाम है उसका, तो वहां पर से मैंने 3200 का रमजान का पूरा राशन मंगवाया है, पूरा राशन। और ये अब पूरा राशन आपने मंगवाया है, और 1600 का आपने कार्टन मंगवाया है, हमारे यहाँ पे 1600 का 2-3 किलो के करीब, 2-3 केजी के राउंड अबाउट हमें फल मिलेगा, और 3200 का तकरीबन 2 या 4 दिन या 5 दिन का राशन मिलेगा ऑलमोस्ट, मैं जो यहाँ पे हाई चीजें। कोर्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट में जाती हूँ, मैं तुमको सुप्रीम कोर्ट का भी खाने के बारे में जरूर डिस्कस करना चाहूंगी। मैं कलकत्ता हाई कोर्ट जाती हूँ, उसके बाहर में 55 रुपए में पूरा मील मिलता है, दोपहर का पूरा खाना मिलता है।
55 रुपए में। अब मैं सुप्रीम कोर्ट में बोल देती हूँ, क्योंकि द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट लोग बहुत हाई फाई समझते हैं, पर उसकी कैंटीन में आप 107 या 110 रुपए में, मैं अपने फ्रेंड सुशील के साथ बैठ करके मैंने लंच भी किया था, मैंने कड़ी चावल खाया था, उसने नॉनवेज थाली खाई थी, तो चिकन वाली, तो हमारा पूरा का पूरा बिल आया था 315 रुपए, अच्छा 315 रुपए। दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाजिया अली खान जी का दमदार और बेबाक अंदाज आपको काफी पसंद आया होगा और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, जहां पे नाजिया खान जी ने ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि भारत में रह रहे मजहब के ठेकेदारों को भी जम के उधेड़ा, चाहे वो ओवैसी हो या फिर दारुल उलूम वाला मदनी हो। ये लोग सीए को लेकर ऐसे परेशान है जैसे बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त दमदार और इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।